प्लीज हैंडल विद केयर। मुझे न्यूज दे रही थी काले कलर का 40 काला कलर का 40 मतलब सिटने। ये जगह कॉर्नर में मेरा इस्त्री का कपड़ा रहता है, तो आज थोड़ा साफ सफाई कर रही थी तो सोचा ये भी जगह भी साफ कर। वहाँ पे मेरा जो डेकोर के लिए यूज होता है कुछ फोटो फ्रेम्स, वो क्योंकि देखो जो जब डेकोर करती हूँ ना, जो उनके पास थोड़ा बहुत एक्सेसरीज होता है, जैसा ब्यूटी ब्लॉगर के पास मेकअप रहता है, ढेर सारा मेकअप के रूम रहता है, तो मेरा वैसे ही डेकोर का सामान जैसा ट्रंक में कुछ फोटो फ्रेम्स जो अभी फिर से रीयूज करूंगी वो सारे वहाँ पे। इस्त्री का ये जो बास्केट है वो कॉर्नर पे रहते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखते हैं, और यहाँ पे कबर्ड बना के जो वॉशिंग मशीन या जो ड्रायर एरिया का जो भी सामान रहता है वो यहाँ पे रहता है। शौक था मुझे ये जगह पूरा मेरा ड्रेसर एरिया बनाने का, तो ड्रेसर एरिया का अलग से एक वीडियो है DIY और वो सारे, तो जरूर चेक करना, क्योंकि आदि एक कमर साधा मैत्री आपका मेकअप कलेक्शन और ड्रेसर एरिया, तो मेकअप कलेक्शन और ड्रेसर एरिया ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मेकअप में तो अभी नया कुछ आया नहीं दिखते दिवाली से पहले। Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Standing, talking, you got me checkmate. No one's watching or nothing. स्वीटी स्कूल जा रही है, बाय बाय स्वीटी। कितना दिन मास्क लिया, मास्क पहन के जब स्कूल जाएगी सचमुच। सांतनु का बैग है, क्वारंटाइन हो गया, दो बैग वो लेके जाता है, एक दिन ये बैग लेके जाता है, हफ्ते में दो दिन अभी जा रहा है, दो या तीन दिन किसी किसी, तो इसलिए बैग भी चेंज होता रहता है। ये सारे सामान ना कुछ डोनेट करना बच्चों को सामान, प्रेजेंट स्वीटी का छोटी थी तब बर्थडे पे मिला था, तो अभी जब स्वीटी नहीं खेलती, स्वीटी बोले किसी को दे दो, स्वीटी ही बोल रही है, तो मैंने सोचा क्योंकि मुझे वो बोलता ना मुझे एक अटैचमेंट हो गया इसके साथ, मैं भी कभी कभी उसके साथ बैठ बैठ के खेलती थी, तो ठीक है किसी का बच्चे खेलेंगे वही, मतलब इसमें कपड़ा भी है बैग के अंदर सारे वही दे दिया, मतलब एटलीस्ट किसी का बच्चे खेलेंगे ना तो मन को खुश हो जाते। मैंने अपने हिसाब से खरीदा था क्योंकि हमारे बचपन पे देखो इतना सब कुछ नहीं था उस टाइम पे, ना इतना एक दो गुड़िया मिल जाए और टॉयज मिल जाए वही बहुत, तब ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह मतलब हम टीवी में देखते थे, तब वो सारे मैंने शौक अपने बचपन का सारे शौक मैंने स्वीटी के साथ पूरा किया, तो वही अभी बचपन बड़ा हो गया, अभी बड़ा होने के बाद नाप रहे देखो कितना बड़ा हुई है, वो तो देखो कितना बड़ा हुई है वो नाप रही है, छोटा स्वीटी छोटा हो गया, स्वीटी छोटा हो गया, और भी है कोई सारे, और इधर देखो ये क्या कर रही थी स्वीटी, कर लो पहले तुम अपना काम कर लो। स्वीटी अपने सारे शूज, ये उसका जान है, मतलब मेरा भी शूज है सारे, उसका और मेरा, मतलब मैं भी पहनती हूँ वो भी पहनती है, तो उसका मतलब ना जान जैसा जो बॉक्स है ना उसके अंदर, इसके अंदर उसको रखना है, हो लगा खजाना बंद, अभी ये खजाना इसके अंदर रहेगा। अच्छा शूज अगर बाहर रखूंगी ना तो फंगस हो जाते है थोड़ा, तो इसीलिए ना वोटा उठा दो तुम, चलो काम करो काम करो, तो अभी तुमको खाना मिलेगा। हाँ अभी ये सारे रह जाए, अभी कब निकलेगा पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। बाय बाय स्वीटी, तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल को भी बाय बाय। अच्छा नहीं लग रहा लेकिन क्या करे, किसी का बच्चा खेलेगा ना तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि गेट तक अलाव है, घर तक अलाव नहीं है किसी को अंदर आना, तो छोटी देख बाहर बाबा रख लो, चलो और भी कुछ सामान तो दे दे। बाय बाय, बहुत स्वीटी बहुत खुश है, नीचे जाने मिल रहा है। Able to tell the truth. Hello friends, welcome back to the channel. Hello, स्वीटी और सांतनु नीचे गए हैं ना, संगीता आई है गेट पे लेने के लिए, तो वो दिया और कुछ सामान शायद है, और स्वीटी वहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली है उसको ढूंढ रही है, मतलब देखने के लिए, क्योंकि हमेशा खिड़की से देखती है, अभी वो नीचे जाने का मौका मिला है तो भी देखने के लिए गए है, मैं थप से वेट कर रही हूँ, वेट ऐसा करके किया जाता है, सोचो सोचो अभी नहीं जा सकती क्योंकि कॉलिंग बेल नहीं बजाएगा, क्योंकि हाथ नहीं लगाते, वो टॉक 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 करेगा या तो कुछ आवाज़ करेगा, मैक्सिमम टाइम आवाज़ करता है। इतना छोटा एक बिल्ली, इतना यहाँ से दिख के इतना बड़ा लगता है। हेलो, ऐसा करने में मजा आता है। हेलो हेलो माता, ना माता घुड़े जावे
स्वीटी ने क्या देखा बता, मुझे बता रही थी, मुझे न्यूज दे रही थी। काले कलर का 40 था। काला कलर का 40 मतलब स्वीटी ने देखा भी। वाह स्वीटी, वाह वाह, ऐसा डिस्क्राइब स्वीटी और शांतनु से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। मुझे तो एकदम आप लोगों को दिख रहा है शांतनु क्या कर रहा है। शांतनु देखो कुछ चाउमीन को काट रहे हैं, ये कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पहले चाउमीन को एकदम छोटा 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 चंक जैसा काट लिया। सुबह का मैं स्वीटी के लिए बनाया था, थोड़ा सा बच गया था। इसमें दिया जा रहा है सेजवाइन सॉस, थोड़ा सा चीज क्योंकि वो बाइंडिंग के लिए। चीज अगर नहीं चाहिए तो आप आलू भी दे सकते हो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। मैंने आप गोला थोड़ा बड़ा लिया, पता नहीं फूट फट के निकलेगा या नहीं। हाँ चाउमीन बेलना उसको। अरे निकलना से अच्छा लगेगा खाना। मैं डोसा थोड़ी है, डोसा तो मैं तो ठीक है, नूडल्स डोसा होता है। लेफ्ट ओवर खाने का मतलब होता है ना, बचा हुआ खाने को कैसे क्या, हाँ, जैसा वीडियो बनता है ना, बचा हुआ खाने को कैसे इस्तेमाल करे, वैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पता नहीं कैसे बनेगा। मैंने इतना बड़ा पराठा शायद कभी नहीं बनाया। जंबो पराठा जो शांतनु बोले एक ही बना, तो मैंने सोचा एक ही बनाते देखते। धीरे धीरे उसको बेलो क्योंकि स्टफिंग ज्यादा है। और यहाँ पे बन रहा है मेरा वो बीटरूट और पनीर वाला पराठा, कितने बार दिखा चुके तो वो नहीं, आज कुछ नया चीज। इसको बेलने में तकलीफ हो रहा था, चक्की को घुमा लो ऐसा। शांतनु ऐसा करके रोटी बनाता पता है, ऐसे करके घुमा घुमा कर रोटी बनाते हैं। बाबा शांतनु का रोटी का साइज भी इतना साइज का होता है। पतला करो बेलना, ठीक है? ना ना बाबा पढ़ो ना, प्लीज हैंडल विद केयर। इसको धीरे धीरे, लेकिन बाबा जब भारी है ना, इतना मोटा पड़ा था सच में, तो मैंने आज तक नहीं बनाया सर। इसको घी से नहीं, नहीं नहीं घी से अजीब लगा। ये तो फिर वो सेजवाइन सॉस का एकदम स्मेल ही चला जाएगा। हाँ वही। इस किस टाइप का पराठा बनता है बताना तो? बचे हुए दाल से भी बनता है। हाँ वो तो बहुत कॉमन है, वो मैं भी बनाती हूँ लेकिन बहुत कम। बचे का तो ना दाल मुझे अभी ज्यादा स्मेल आ रहा है जब अभी ये हीट लगा ना। हाँ नूडल्स पराठा। किस किस टाइप का पराठा और बनता है, मतलब थोड़ा एकदम भी मतलब हटके जो मैंने मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ वैसा वाला। ये इस तरह से इसको ना ज्यादा दबाना मत, नहीं तो चीज निकल रहा है। खुशबू तो असम आ रहा है ऑब्वियस, पिज्जा जैसा खुल जा सिम से। खुल जा सिम से, पता नहीं कैसा बनेगा। अरे अच्छा बनेगा। मैं जो चीज है वो खुद ही है क्या, स्मेल से मालूम चल रहा था ना कैसा लगेगा। हाँ सुनी खाओ, एक लो खा के बताओ। वही में देखा था ये वाला भी सामने था, उसको नहीं उठाया। इधर भी सामने था। हाँ उसको नहीं उठाया, भले ही लगते होते हैं। ओहो अच्छा, दो आटे में मैंने दिया था। पराठे में, हाँ सॉरी पराठे में कुछ मतलब उसका आटे में कुछ मत डालना। हाँ वो ये देखो सब एकदम पूरे नूडल्स, बाग बाग सब बाग बाग खुशी होके खा जाएगा। नूडल्स चीज पराठा न्यू इन्वेंशन। हाँ ऑसम बना है, जरूर ट्राई करना। मतलब आज मैंने ऐसे ही ट्राई किया लेकिन ऑसम बना है। Far you wanna go, baby, I can tell it's just for show. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय 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 गरम गरम चाय। आज का रेसिपी का सारे तैयारी हो चुका, ऑसम रेसिपी देखते हैं ऑसम। अरे देखो बनाने से पहले मैंने ऑसम बोल दिया क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे घर पे वो जब बनता है ना उस दिन कढ़ाई भी सोचता है मुझे भी चाच पूछ के ले लेते। चाय पत्ती भी बहुत कम हो गई, एक की चाय पत्ती है इसमें नहीं, इसमें मसाला वाला शांतनु को मसाला वाला चाहिए एकदम। ये तो शुगर है, चाय पत्ती किधर है? अरे हाँ मसाला वाला चाय शांतनु को पसंद नहीं है तो ये इतना सही चाय पत्ती है। चाय 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 गरम चाय, गुड मॉर्निंग। और शांतनु आज खपा खपा लग रहा है क्योंकि पाकी का घोंसला फिर से बन गया। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला संडे। मैं संडे वाला टी शर्ट पहनी, ये टी शर्ट मैं सिर्फ संडे को पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। शांतनु तो कल का पराठा बच गया था ना, वो पराठा बच जाता तो बहुत खुश हो जाता। ये फिर से मारी बिस्किट, अब लोग खा लो, बोर होने बाद हो जाना मारी बिस्किट खा खा के। ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड तो बोलेगा मैं तो रोज मारी बिस्किट खिला रही। मेरे सबसे अच्छा वाला दोस्त देखो, ये मम्मा और उसका बेबी, और ये
ये कितने सारे दोस्त है, ये देखो स्वीटी का कुछ नेकलेस का ये कुछ काला काला भी हो गया, तो उसको साफ कर रही थी लेकिन नहीं जा रहा क्योंकि रबर ही टाइप का है ना। स्वीटी बोले रखो उसको। रैबिट तो सालों साल चढ़ रहा है लेकिन ऊपर तक नहीं जा पा रहा, उतना दूर तक ही उसका दम। ऐसे है मेरे सारे दोस्त और सारे है यहाँ पे। ऐसा है सबसे अच्छा वाला व्यू, और देखो चड्डी बनियान। यहाँ पे मेरे दोस्त है, उसके साथ मैचिंग उसका पत्थर रखा है, इसीलिए उसके जूता देखो, इसका जूता दिखा रहे हैं। चश्मा सबसे मुझे अच्छा लगता है, उसका चश्मा देखो, लड़का चश्मा। गोवा जा रहा है, लॉकडाउन है, गोवा जा रहा है, मत जाओ अभी। जागो मोहन प्यारे, सुबह हो गई है। मोहन नहीं है, मोहन नहीं है, मोहन नीचे में है। यहाँ पे कौन कौन है? अच्छा नाम देना इन दोनों का। क्या नाम है दोनों का? खड़े हो पहले। आज ड्रेस भी देखो, मेरा वाला फिर से ड्रेस लिया है, लेकिन ये ड्रेस मुझे भी पहन के उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। स्वीटी ने बोला मैं पहन के देखती हूँ, अजीब भी लगता है स्वीटी ये ड्रेस। पता नहीं इसका फिटिंग मुझे भी एकदम ही पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ लिया था, पता है ये नीचे का कितना सुंदर एक बॉर्डर टाइप का है, उसी की वजह से लिया था। और ये सारे जो भगवान का सामान रखती हूँ मतलब सजाने के लिए, और थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लगता है ये सब। और ये सारे मैं हफ्ते में एक दो दिन तो धोती हूँ, 5-6 दिन के बाद ये सारे धो लेती हूँ। वहाँ पे थोड़ा बहुत अगरबत्ती भी जलाती हूँ ना, और ये सारे धो के उसको अभी सारे पोछ के अभी ठीक तरह से अरेंज करना पड़ेगा। खाना बनाने से पहले ये सब मैं कर लेती हूँ। बेबी है स्पाइडरमैन का, तो ये खराब हो रहा था वहाँ पे टंगे, तो मैंने सोचा इसको लगा दूँ। बारिश है ना, अभी बारिश में जल्दी प्लांट ग्रो होता है। सौंफ तेल में, स्टार एनिस या फूल चक्री, मसाले से जब खुशबू निकलने लगेगा करी पत्ता, अनियन और ग्रीन चिली एक साथ। कोकोनट को ग्रेट करके मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, और इसको अभी मलमल के कपड़े से छान के जो मिल्क है वो निकालूंगी। सॉल्ट अंदाजा से, कुटी हुई जिंजर गार्लिक को 2-3 मिनट तक भूनना है, टोमेटो स्लाइस किया हुआ, हल्दी, मिर्ची पाउडर, और इसको तब तक भूनना है जब तक तेल ना निकल जाए। अगर गर्मी है तो उस टाइम पे आपका भी तेल निकल जाएगा, और सर्दी के जगह है तो सिर्फ मसाले का ही तेल निकलेगा, या तो दोनों का ही तेल निकलेगा, क्योंकि गर्मी में खाना बनाना। इस तरह से तेल निकल गया, तेल अपनी जितना दोगे। अभी इस टाइम पे कोकोनट मिल्क एकदम धीमी आंच पे अभी इसको करना है, कुछ देर के लिए बॉयल करना है। और ये ग्रेवी थोड़ा सा मतलब बोलते हैं हल्का धीमी आंच पे बॉयल होगा, नहीं तो कभी कभार कोकोनट मिल्क फट जाता है। और ग्रेवी इस तरह से बना है, धीमी आंच पे एकदम 5-10 मिनट उसको पकाना है। और अभी जो अंडा इसको देख के, और 2-3 मिनट तक, क्योंकि अंडे के साथ वो थोड़ा सा होगा ना तो अच्छा होगा। पिछले गास्टा को कौन गलो? ये कहाँ से आया? कहाँ से उठा के लेके आया? सच्चा बॉयस का नजर मतलब खुशबू से मालूम चलता ना। ये चावल का रोटी के साथ जब लगेगा ना, अप्पम अप्पम के साथ, चावल के रोटी के साथ, इडियप्पम या तो वो प्लेन वाला नीर डोसा। किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, ये जरूर ट्राई करके लाइक तो करना भूलना मत। अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय बाय। जरूर बनाना, मैं तो फोर्स करूंगी, बनाओ। फ्रेंड्स।
का माथा गुड़ जाएगा।